जैसे एक पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंखों की आवश्यकता होती है, यदि उसका एक पंख बड़ा तगड़ा हो और दूसरा ढीला हो, अगर उड़ने का प्रयत्न करेगा तो वही भटकते रहेगा, उड़ेगा नहीं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में दोनों की आवश्यकता है, समझदारी, ज्ञान, वेदांत का श्रवण, उसकी भी आवश्यकता है, और उसके साथ साथ फिर कर्म, योग, उपासना, उसकी भी आवश्यकता है। इन दोनों का जब बैलेंस परफेक्ट हो जाता है, तब जा करके हम अपने स्वरूप में निष्ठा पाते हैं। अन्यथा कितने सिंसियर साधक हैं, लेकिन उनमें यही चक्कर है, वो एकांगी हो गए, पक्षी हो गए, ये स्वामी जी का शब्द है, पक्षी हो गए, एक पक्ष में है। या तो केवल श्रवण श्रवणी करेंगे और अपने जीवन में जो अभ्यास चाहिए सूक्ष्मता से वो नहीं होता। तो दो बातें जो हमने बताई, पहली बात तो यही है कि हमको देहात्म भाव से निवृत्त होना है। जब हम GPS का प्रयोग करते हैं तो उसमें दो चीज़ों की आवश्यकता है, आप कहाँ हो, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और कहाँ पहुँचना है, डेस्टिनेशन। यदि हमको ये पता नहीं हम कहाँ हैं तो वो GPS हमको बताएगा नहीं। एक बार एक सज्जन हमको पूछ रहे थे, स्वामी जी हमें आपको मिलना है तो आपके पास हमको पहुंचना है तो कैसे पहुंचे, हमने जैसे मर्जी पहुँचो, नहीं हमको रास्ता बताइए। हमने कहा ठीक है, आप कहाँ हो, बोले आपको क्या लेना देना है। तो मैंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ, ऐसे आओ ब्राज़ील में सन पाउलो को जा करके वहाँ से वाशिंगटन DC चले जाओ, और वहाँ से मॉस्को हो करके फिर बीजिंग में चले जाओ, वहाँ से फिर हांगकांग हो करके, समझ जाए ऐसा क्यों बता रहे, मुझे मालूम ही नहीं आप कहाँ हो, कुछ ना कुछ तो बताना है ना। देखो महाराज, पहले ये समझना कि हम कहाँ फंसे हैं, वही हमारा स्थान है साधना के प्रारंभ का। देखो तो कहाँ फंसे हैं हम फंसे हैं पहली बार अपने जो संग्रह है, पैसा 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 पैसा, इतनी जायदाद, इतने बिजनेस, इतना ये सब आवश्यक है, ये वही सब कुछ नहीं है। व्यक्ति उसी में लगा रहता है, इसीलिए हम लोगों की स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म कैसा है, 5-star स्पिरिचुअलिटी, इधर AC, उधर AC, उधर DC, उधर PC, और उसके बाद ICICI में एक बड़ा अकाउंट। जब तक के हमारे अंतकरण में सिक्योरिटी महत्व की है, तब तक के हमने अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। कितने बार हम लोगों ने पाठ किया होगा, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। हमारा भरोसा वो LIC पर है, योगक्षेमं वाम्यहम्। भगवान ने जो कहा है, अनन्या चिंतयन्तो माम, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है। एक बार हम कहीं थे, जैन हमारे होस्ट थे, तो उनकी पत्नी ने हमको पूछा कि स्वामी जी आप लोग कहते हो आत्मचिंतन करो आत्मचिंतन करो, हमारे मुनि लोग भी कहते हैं आत्मचिंतन करो, लेकिन आत्मचिंतन करो माने क्या ये नहीं बताते, आत्मचिंतन करो माने क्या। हमने कहा हम ये बताएंगे तो हमारा दुकान ख़त्म हो जाएगा, हम नहीं बताएंगे।
नहीं नहीं आप बताइए, हमने कहा सुनो, अनात्म चिंतन के अभाव को आत्मचिंतन कहते हैं। ओ ये बड़ी सूक्ष्म बात है, अनात्म चिंतन के अभाव को आत्मचिंतन। लेकिन यह आत्मचिंतन अभावात्मक नहीं है, तो अनात्म चिंतन के अभाव को यदि आत्मचिंतन कहते हैं तो क्या आत्मचिंतन अभावात्मक है? देखो जैसे महाराज जी ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताई है, काम के अभाव को शांति कहते हैं, क्रोध के अभाव को शांति कहते हैं, लोभ के अभाव को शांति कहते हैं, मद के अभाव को शांति कहते हैं, मात्सर्य के अभाव को शांति कहते हैं। तो क्या शांति अभावात्मक है? क्योंकि हम सबके अभाव की बात कर रहे हैं ना, इसका अभाव उसका अभाव अभाव। तो यह जो आत्मचिंतन है ये अभावात्मक नहीं है। कठोपनिषद की श्रुति कहती है कि अस्ति इति उपलब्धव्यः तत्व भावेन प्रसीदति। तत्व की उपलब्धि अस्तित्व भाव से होती है। अब इस अस्तित्व को ग्रहण करने के लिए हमको ये देखना है कि हम अस्तित्व को ग्रहण कर रहे हैं या किसी के अस्तित्व को ग्रहण कर रहे हैं। किसी का अस्तित्व माने उस अस्तित्व पर हमने एक उपाधि चढ़ा दी है। हम किसी का अस्तित्व की बात नहीं कर रहे, अस्तित्व मात्र। हम किसी के ज्ञान की बात नहीं कर रहे, ज्ञान मात्र। हम किसी के अनुभव की बात नहीं कर रहे, अनुभव मात्र। हम देखो ये माइक है माने अस्तित्व, ये हो गया माइक का अस्तित्व। फिर ये कैमरा है, ये हो गया कैमरे का अस्तित्व। अब ये दोनों के बीच में दोनों का अभाव है, तो ये हो गया अभाव का अस्तित्व। अब सवाल ये आता है, क्या इस अभाव के अस्तित्व को अभाव ने स्वयं जाना है या हमने जाना है? तो हम कौन हो गए? हम इस माइक के अस्तित्व को भी प्रकाशित कर रहे हैं और उसके बाद माइक के अभाव को भी प्रकाशित कर रहे हैं और फिर कैमरे के अस्तित्व को प्रकाशित कर रहे हैं और फिर कैमरे के अभाव को प्रकाशित कर रहे हैं। तो हम कौन है जो भाव अभाव अस्ति नास्ति इन दोनों प्रत्ययों को प्रकाशित करते हुए दोनों के परे है? इसीलिए परमात्मा को है कहना, सच्चिदानंद कहना, ये भी भगवान को गाली है हिम्मत सुनने की। हम देखते हैं परमात्मा को और कहते हैं जगत, तो हमने क्या किया? परमात्मा को एक गाली दे दी, जगत है परमात्मा, दूसरी गाली दे दी जीव, फिर है परमात्मा तीसरी गाली दे दी ईश्वर। तो एक ही परमात्मा तीन उपाधियां चढ़ा दी, नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी उसको जगत कहा, पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी उसको जीव कहा, माया की उपाधि चढ़ा दी उसको ईश्वर कहा। तो हमने परमात्मा का तो खुल्लम खुल्ला तिरस्कार किया है। जैसे हम देखते हैं पानी को और कहते हैं समुंदर, हम देखते हैं पानी को कहते हैं लहरें,
तो हमने किया क्या, पानी को गालियाँ दी, किसी को अन्य नाम से पुकारना जो उसका नाम नहीं है वो गाली हो गई ना। अब किसी को गाली दो तो हमको क्या पुष्पहार मिलेंगे, दुखी मिलेगा ना। देखो संतो, इसी प्रकार से भगवान को हम कहते हैं भगवान सच्चिदानंद है। सत इसीलिए कहते हैं असत के निराकरण के लिए, चित इसीलिए कहते हैं कि अचित जड़ता के निराकरण के लिए, आनंद इसलिए कहते हैं कि दुख के निराकरण के लिए, लेकिन तीनों का हमेशा अभाव ही रहा है। देखो उदाहरण के लिए, मैं आदमी हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। अब यदि इसको लेकर के मैं पब्लिक में घूमूं, देखो भैया मैं स्त्री नहीं हूं, हाँ मैं आदमी हूं, मैं स्त्री नहीं हूं यार, दाढ़ी नहीं देखते हो क्या? तो जब 25 बार मैं कहूंगा लोगों की मैं स्त्री नहीं हूं, मुझे किसी ने स्त्री तो कहा ही नहीं, तो मैं क्यों कह रहा हूं? क्या मुझे डाउट है अपने बारे में? आप इसी को लगाओ, कभी किसी को अपने अभाव का अनुभव आता है क्या? अभाव के अनुभव का अभाव है। तो यदि हमको अपने अभाव का अनुभव आता ही नहीं तो मैं हूं कहने की क्या जरूरत है? देखो ये सब प्रक्रिया जो है ये अपने मन के परे जाने की प्रक्रिया है। चैतन्य भी ज्ञान है और मन भी ज्ञान है, ये दोनों ज्ञानों में क्या फर्क है? जिस ज्ञान में अस्ति नास्ति यह विकल्प संभव है उस ज्ञान को मानसिक प्रत्यय कहते हैं, और जिस ज्ञान में अस्ति नास्ति हूं या नहीं हूं ये विकल्प नहीं है वो है शुद्ध चैतन्य।